नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मस्त होने का माहौल तो मार्केट में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं हम सीबा इनुक्वाइन के बारे में, साथ ही साथ मार्केट किस तरफ मूव करेगी। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगी क्योंकि भैया बिटकॉइन जो है $35,000 की तरफ मूव है, मतलब वहीं पे ठिकाने लगा बैठा है। भैया किधर जाएगी, नीचे या ऊपर, ये आपके मन में जरूर से एक डाउट होगा, जिसे आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। सीबा इनु को लेकर अमेजोन की क्या अपडेट आ रही है दोस्तों, क्योंकि अगर प्रॉफिट बनाना है तो ये अमेजोन की जो अपडेट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर सीबा और अमेजोन का कुछ ताम जाम समझ में आ गया, भैया सीबा इनु स्काई रॉकेट होकर ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या कुछ पूरी मार्केट की अपडेट है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मार्केट रिव्यू के साथ, उसके बाद बात करेंगे सीबा इनु क्वाइन की। क्योंकि अगर प्रॉफिट बनाना है तो सीबा इनु से बेटर मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली क्वाइन शायद से भी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट अपडेट के साथ। और अगर भैया अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। दबा दीजिए जोर से सब्सक्राइब बटन को और कर दीजिए वीडियो को लाइक, अपने मित्र एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम रियलिस्टिक अपडेट आप सभी के लिए रेगुलरली लेके आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के अपडेट के साथ। और भैया लोग काफी पैनिक कर चुके हैं क्योंकि बिटकॉइन आ चुका है $35,000 पे। अब क्या और नीचे जाएगा? कहीं कहीं एनालिस्ट के अगर खबर को देखें, भैया कहते हैं $20,000, मतलब कुछ भी कह देते भैया, मजाक चल रहा है क्या? मजाक की कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, $35,000 अगर ब्रेक होता है तो $30,000 से लेके $32,000 तक बिटकॉइन कभी भी आ सकती है। इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, कहीं इधर उधर की बात नहीं, प्रैक्टिकल एनालिसिस यही कहती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं दो बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन को स्टडी करते हैं, अगर आप बिटकॉइन को अच्छे से देखते हैं, तो एक बात आपको पूरी क्रिप्टो मार्केट के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जब भी बिटकॉइन डंप होती है तो अपने लास्ट लो को कभी ब्रेक नहीं करती है। मतलब दोस्तों जब जुलाई महीने जून महीने के समय लो क्रिएट किया था बिटकॉइन ने, तो उस लो को कभी बिटकॉइन ब्रेक करेगी नहीं। और अगर ब्रेक कर दी तो एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन होगा, उस केस में बहुत बड़ी डंपिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखना है कि भैया उस लो को जब बिटकॉइन ब्रेक नहीं करती है दोस्तों, अभी पिछले 10 साल में कभी बिटकॉइन ने ऐसा नहीं किया है कि अपने लास्ट लो को ब्रेक किया। मतलब दोस्तों जो बड़ी डंप होती है, छोटी वाली को तो ब्रेक करना ही पड़ता है, बट जो बड़ी डंप होती है उसे ब्रेक नहीं करती है। तो यहां पे अगर हम देखें भैया बिटकॉइन $35,000 के करीब ट्रेड कर रही है, यहां से मेरी फाइनल एक्सपेक्टेशन जो है लगता है बिटकॉइन $30,000 को टच कर सकती है, जहां कि मैं एक अच्छी खासी बाइंग करने वाला हूं। बट इस पोजीशन पे भी मैं कुछ प्रोजेक्ट को बाई करने वाला हूं दोस्तों, जो कि आज शाम की वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आप सभी के सामने बाई करूंगा दोस्तों, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मार्केट 30,000 तक जाती है तो आपके लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि मार्केट में कोई बड़ी फंड अभी नहीं है दोस्तों जिससे मार्केट पूरी डंप हो जाएगी, और चांसेस भी बहुत कम है। इतना जो डंप आया है इससे रिकवरी के चांसेस अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है आप सभी के लिए पैनिक करने की कोई बात नहीं है, मार्केट इज मूविंग गुड। जी हाँ दोस्तों, यही मैं कहूंगा अभी के लिए। बट अभी बात करेंगे आप सभी से, ऊपर देखिए सीबा इनु अमेजोन वाली अपडेट लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मिल्कशेक के तरफ से ये हमें ट्वीट देखने को मिला। मिल्कशेक आपको पता है दोस्तों जेन्युइन सीबा के अपडेट्स के लिए जानी जाती है या जाना जाता है ये तो पता नहीं दोस्तों, बट अभी के लिए हम देखें तो भैया सीबा इनु के जो लोगो है वो अमेजोन की लोगो में हमें देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही बड़ी हिंट है फ्यूचर के लिए। अभी अगर हम सीबा इनु की प्राइसिंग को देखें तो लगभग 30% नीचे चल रही है पिछले 7 दिनों में, और 20% की गिरावट आ सकती है। अगर सीबा इनु 20% नीचे आए तो भैया मैं तो दवा के बाइंग करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है सीबा इनु 5-5 बड़ी अपडेट्स पे काम कर रही है, जो कि कभी भी एक 1x1 पुश हो सकती है। और जब भी 1x1 अपडेट्स पुश होगी दोस्तों, तो सीबा इनु एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए हमें नजर आएगी। अभी के लिए जरूर से मार्केट डाउन हो रही है, सीबा इनु भी डाउन हो रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जो लास्ट डंप थी, जहां सीबा इनु ने लास्ट डंप क्रिएट किया था, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे बिटकॉइन तो जाती नहीं दोस्तों, दूसरे कॉइन चल भी जाते हैं, बट जहां तक हम एनालाइज कर पा रहे हैं सीबा इनु के लिए बड़े बड़े अपडेट्स वेट कर रहे हैं दोस्तों, तो नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जहां तक हमने आपको अपना प्राइस पॉइंट बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने दोस्तों एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताया था कि भैया अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे वाले सपोर्ट तक सीबा इनु हो जाएगी, तो उसे अभी टच करने में 20% का मतलब गैप बचा है दोस्तों, तो वो गैप कभी भी कवर हो सकता है। और मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, 20% कभी भी डंप हो सकती है पूरी मार्केट नहीं दोस्तों। बिटकॉइन जो है $30,000 तक आ सकती है। इथेरियम की अगर मैं बात करूं भैया, तो यहाँ पे $2,000 तक की मार्क इथेरियम बिल्कुल आसानी से टच कर सकती है, 2,000 से नीचे भी आ सकती है।
एडा बीएनबी बहुत चीप रेट में आपको देखने को मिल सकती है। बीएनबी $325 तक आपको देखने को मिल सकती है, एक अच्छा बाइंग पोजीशन बनेगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं शिबा इनू के बारे में। तो भैया शिबा की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर अमेजोन की तरफ से कुछ अपडेट आ गई, आपको पता है दोस्तों अमेजोन एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है दोस्तों। अगर अमेजोन शिबा को एक्सेप्ट करने लग जाती है एज ए पेमेंट मेथड, अगर इस आर्टिकल को आप पूरा देखेंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है भैया अमेजोन डे पे अमेजोन की जो लोगो है वहां पे शिबा इनू की एक लोगो हमें देखने को मिली है जो ओ को दर्शा रहा है दोस्तों। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ सकती है, लगता है शिबा कम्युनिटी जो है काम पे लग चुकी है दोस्तों। रॉबिनहुड लेकर को लेकर के भी लगातार शिबा की तरफ से अपडेट आ रहे हैं जो कि आने वाले बड़ी रैली की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है। मैं मानता हूं क्रिप्टो मार्केट में अगर मोमेंटम देखने को मिले तो जरूर से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनिएगा दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि $500 $1000 बस दिखाने के लिए बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद एक बड़ी डंपिंग होती है। तो उस चक्कर में मत फंसिएगा, ना ही कभी अपना 100% पैसा भी लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जिस तरह का मार्केट का माहौल है, अगर उसे आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो मार्केट 30,000 की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अभी तक हमें इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिला है। थोड़ा सा बिटकॉइन स्टेबल हो रही है, नीचे डंप कर जा रही है, स्टेबल हो रही है, डंप कर जा रही है, और यही वो समय होता है जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। तो भैया यहाँ पे अगर $35,000 पे रुक जाती है तो ये भी पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे आई है और कोई बड़ी वजह नहीं है। लेकिन अगर और नीचे आना हुआ तो $30,000 में मानता हूँ फाइनल पॉइंट है जहां पे मैं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करूंगा। बट आज भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप सभी के सामने करूंगा, कौन से प्रोजेक्ट मैं परचेस कर रहा हूं सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं दोस्तों आप सभी हमारे भाई बहन है, हमारा फैमिली मेंबर है दोस्तों, तो आपकी प्रॉफिट हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों। और सब कुछ आपके सामने परचेस करूंगा जिससे मैं दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट बना रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और शिबा इनू की जो अपडेट बताऊं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, मार्क करके रखिए। अगर ये सारे अपडेट प्रैक्टिकली आ जाते हैं तो शिबा इनू पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय पे देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।